नमस्कार, मैं हूं जयश्री सेठी। आई हूं आपसे कुछ बातें करने, आपको कहानियां सुनाने और आपके साथ मिलकर कुछ नया सीखने। आज बात करने वाले हैं जीव जगत की। तो आपने अपने घर के आसपास, मुझे पूरा यकीन है, बहुत सारे जीव देखे होंगे। तो बताइए कौन कौन से। क्या कहा, सुनाई नहीं दिया, मैं कुछ मदद करूं? तो आपने देखे होंगे ये जीव, देखे हम स्क्रीन पर, बताइए ये कौन है? चूहा। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। ये तो सभी जानते हैं, क की आवाज आती है। कुत्ता। हाँ, इसे तो हम मौसी के नाम से भी जानते हैं। बिल्ली। इसके दांत होते हैं, बहुत चपड़ 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 करके चीजें खाती है। कहते हैं कि इसे अखरोट भी बहुत पसंद होता है। और इसकी जो पूंछ है वो कितनी घनी घनी होती है, फुदक फुदक के जाती है। गिलहरी। गिलहरी, हाँ भाई, ये अगर मुंडेर पर आकर बैठ जाए तो कहते हैं कि आज घर पे कोई मेहमान आने वाला है। कौवा। ये गुटरगू करता है, इसका नाम है कबूतर। भाई ये किसे पसंद नहीं है, है ना? अब होता ये है कि हमने पेड़ तो काट दिए आसपास के, जंगल हो गए खत्म। तो बंदर जो जंगलों में थे, हमें कभी कभी अपने घर की बालकनी पर भी दिखाई दे जाते हैं। और अगर गांव देहात में जाएं तो वहां पर खेतों के आसपास भी दिखाई देते हैं बंदर। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जो खलिहान या बाड़े या पशुशाला में पलते हैं। कौन से हैं वो जानवर? गाय, बकरी, भैंस। और ये है भेड़, इसकी रफ्तार की क्या कहनी। ये है घोड़ा। और कुछ जानवर जंगलों में ही पाए जाते हैं। अच्छा है वो जंगल में ही है, जंगल उनका घर है। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें कितने सारे जानवर हैं, पहचाने कौन कौन से जानवर हैं? मुझे तो भाई शेर दिखाई दे रहा है, हिरन भी है, बड़ा सा सांप भी है। और पहचानिए तो, ये आपके करने के लिए है, पहचानिए कौन कौन से जानवर आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। और अपनी समझ से, अपनी जानकारी के हिसाब से भी आप उन जानवरों के नाम सुझा सकते हैं, बता सकते हैं जो जंगलों में पाए जाते हैं। तो करिएगा ये काम अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ। फिलहाल मेरे पास आपके लिए कहानी है, और कहानी में भी बहुत सारे जानवर हैं, मिलेंगे आप उनसे। मिलवाती हूं आपको हमारी कहानी के मुख्य पात्र से। कौन है वो? वो है ये गधा। कैसे आवाज करता है? अब सोच के देखो, हमारे इस गधे को खाने में क्या पसंद होगा, सोचो तो। एक बार इस गधे का मन कुछ मीठा खाने को हुआ। अब भाई मीठा सुनते तो मेरे ही मुंह में पानी आ गया, आपके मुंह में भी आ गया ना। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें गधे का मन कुछ मीठा खाने को करता है, और कहानी का शीर्षक है मिठाई। तो एक बार गधे का मन कुछ मीठा खाने को हुआ। वो सोचे जाए क्या मीठा खाऊं, क्या मीठा खाऊं। अब वो गया अपने दोस्तों के पास। तो अपने दोस्तों के पास गया और उसने उनसे पूछा, क्या भाई कुछ मीठा खाने को है? उसने मीठा खाना मांगा। आगे आया भालू। भालू ने कहा, ऐसा करो शहद खा लो। पर गधे ने मना कर दिया। उसे
शहद खाने का जो विचार था वो पसंद नहीं आया। उसके बाद खरगोश आया। खरगोश ने कहा, ऐसा करो तुम गाजर खा लो। पर गधे ने मना कर दिया। फिर आई छोटी सी चींटी और चींटी ने कहा, ऐसा करो तुम ना गुड़ खा लो। गधे ने मना कर दिया। फिर बताओ कौन आया। फिर आया हाथी और हाथी की बड़ी सी सूंड। उस सूंड में उसने लपेटा बड़ा सा गन्ना और गधे से कहा, ऐसा करो गन्ना खा लो। पर गधे ने मना कर दिया। गिलहरी आई फुदकती फुदकती। गिलहरी ने कहा, आम खा लो। पर गधे ने मना कर दिया। फिर आई बिल्ली। ली उसने एक अच्छी सी अंगड़ाई, अपने आप को तान लिया और फिर कहा, हलवाई की दुकान पर चलो। गधे को ये बात पसंद आ गई और उसके बाद सोचो क्या हुआ होगा। सारे जानवर मिले, मिलकर चले कहां, मिठाई खाने। अब आप सोचो उस हलवाई का क्या हुआ होगा, क्या वो भाग खड़ा हुआ होगा, भाई इतने सारे जानवर एक साथ मिठाई खाने आ गए। अब मैं तो जब मिठाई की दुकान पर जाती हूं तो मिठाई वाला तोल तोल के मिठाई देता है, क्या उस हलवाई ने तोल तोल के मिठाई दी होगी। पर जानवरों के पास रुपए तो होंगे ही नहीं। सोचो तो, है ना आपके लिए सोचने का एक काम। वैसे कैसी लगी आपको कहानी, अपने दोस्तों को सुनाना। हाँ, मिठाई की बात हो रही है और मैं आपसे आपकी पसंदीदा मिठाई ना पूछूं तो कैसे बात बनेगी। तो बताइए आपको कौन सी मिठाई पसंद है, सोचिए, जिसका नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। क्या आपको गुलाब जामुन पसंद है, या जलेबी, या बुढ़िया के बाल, या ये अंग्रेजी मिठाई डोनट। सोच कर देखिए कौन सी मिठाई आपको पसंद है। और जब आप मिठाई का नाम ले रहे हैं या मिठाई शब्द बोल रहे हैं तो उसमें आपको कौन सी आवाज़ आ रही है, म की आवाज़। तो म की आवाज़ वाले कुछ जानवर और पक्षी देखें। चलो आओ देखते हैं। मछली, मगरमच्छ, मैना, मोर, मुर्गा, मेंढक, और कहानी में कौन था, गधा था। तो गधा शब्द में कौन सी आवाज है, ग की आवाज है। तो ग की आवाज वाले कुछ जानवर और पक्षी देखें। ये तो आप जानते ही हैं, गाय, गेंडा, गिलहरी, गिरगिट, गीदड़। अब शब्द जिनके अंत में आई की आवाज आए तो हम एक खेल खेल कर देखते हैं। इन्हें हम कहते हैं लयात्मक शब्द, मिठाई शब्द हमने बोल के देखा। अब सोचो ऐसे कौन से और शब्द हैं जो मिठाई से मेल खाते हैं। मैं सहायता करूं आपकी, मिठाई, सिलाई, लिखाई, दिखाई, कमाई, चढ़ाई, पढ़ाई और मलाई। तो शब्दों के साथ ये खेल आप अपने घर में भी खेल सकते हैं या फिर आपकी कक्षा में जो आपके दोस्त हैं उनके साथ खेल सकते हैं। तो यही तो मज़ा है, कहानी भी हो और शब्दों के खेल भी हो। तो आज हमारी बातचीत को हम यहीं पर समेटते हैं। तो फिर आपसे मैं मिलूंगी दोबारा और फिर एक नया गीत रचेंगे, साथ में गुनगुनाएंगे, कुछ कहानी होगी और मज़े मज़े की बातों में खेल खेल में कुछ नया भी सीखेंगे।
अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।